जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ध्यान से देखो बेटा, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आप सबको क्लियर हो गए, कोई भी एक्सप्रेशन जो एक्स की टर्म्स में या किसी वेरिएबल की टर्म्स में है उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अभी हमें जनरली क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब उसमें फर्दर टॉपिक आपका जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, देखो सपोज आपके पास कोई एक्सप्रेशन है एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव, क्लियर। ये पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स में लिख रहे हैं हम, पी ऑफ एक्स का मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। आपको थ्री एक्स माइनस फाइव है, ये पॉलिनोमियल है आपका, यस और नो? यस, पॉलिनोमियल है आपका। अब इसका हमें क्या पूछे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है वो ध्यान से सुनना बेटा। ऐसी वैल्यू एक्स की जिसको हम इसमें पुट करें और इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब सपोज हमने एक्स की जगह वन पुट किया तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, थ्री इंटू वन माइनस फाइव, यानी थ्री माइनस फाइव कितना आ गया, माइनस टू। अब सपोज अगर हम एक्स की जगह सपोज फाइव बाय थ्री पुट करें, ध्यान से देखो, अगर हम फाइव बाय थ्री पुट करें तो क्या होगा, थ्री इंटू फाइव बाय थ्री माइनस फाइव, पहले हमेशा मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करते हैं, थ्री थ्री कट गया, वन वन आ गया, यहाँ पे फाइव माइनस फाइव कितना हो जाएगा, जीरो। यानी जब हमने फाइव बाय थ्री पुट किया एक्स की जगह पे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो फाइव बाय थ्री इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और कौन सा पॉलिनोमियल, जिसका हमने निकाला अभी, दैट इज थ्री एक्स माइनस फाइव। आया समझ में, यानी वो वैल्यू एक्स की जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल में पूरी वैल्यू जीरो हो गई, उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। हाँ, कुछ भी पुट कर सकते हैं जिससे जीरो आए, बट वही हमारी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ना। अब वन को हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं बोला क्योंकि माइनस को, क्लियर। तो अब इसको हम निकाल कैसे सकते हैं, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बोल दिया, फाइव बाय थ्री कर देते हैं। अब अगर ये आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जो भी एक्सप्रेशन है आपका, जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू जीरो कर दो। अब निकालो क्या निकलेगा, थ्री एक्स इक्वल टू फाइव हो गया माइनस फाइव उधर जाके, तो एक्स आ गया आपका फाइव अपॉन थ्री। तो ये ऐसे मैंने अपने माइंड में निकाल लिया था पहले और फिर आपको पुट करके दिखाया, आया समझ में। बट अगर आपको कोई वैल्यू पहले से दी हुई है और चेक करने के लिए बोला एग्जाम में कि चेक दिस इज अ जीरो द पॉलिनोमियल और नॉट, तो आपको ऐसे चेक करना है, अगर उसको पुट करने पर जीरो आ गया तो आप बोल दोगे यस इट इज जीरो द पॉलिनोमियल, अदरवाइज नो। क्लियर हो गया जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मीनिंग क्लियर हो गया। अब नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं पॉलिनोमियल में बताओ, जितनी उसकी डिग्री होगी बेटा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के इक्वल होंगे आपके नंबर ऑफ जीरोज। जैसे सपोज आपके पास कोई ये पॉलिनोमियल एक्स फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो इसमें कितने जीरोज होंगे, डिग्री कितनी है इसमें, डिग्री कितनी है जल्दी बोलो, फोर। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, फोर। चाहे वो जीरोज इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, बट टोटल फोर जीरोज आपके होंगे।